नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संदीप पाटीदार आपके अपने YouTube चैनल ओनली फार्मर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, बहुत दिनों बाद में हमारे चैनल पर वीडियोस आ रही हैं। बहुत ही दिन हो चुके हैं, करीब करीब 4 से 5 महीने हो चुके हैं हमारे चैनल पर वीडियो आए को। तो अभी हमने 5 से 6 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, जिसमें हमने हमारे जो पीछे गेहूँ दिखाई दे रहे हैं इनमें हमने खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग किया था। इसमें हमने जो खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग किया था वो है अदामा की अमेक, जो कि अदामा कंपनी ने अभी ही हाल ही में लॉन्च की हुई है, इसी साल लॉन्च की हुई है, जिसमें दो टेक्निकल है। एक टेक्निकल है क्लोडिनोफॉप प्रोपारजाइल, दूसरा है मेट्रिब्योजिन 20 WP में। या दो टेक्निकल हमारे जो अदामा अमेक में आते हैं। इसमें हमारे जो सेल्समैन हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारी जो कृषि सेवा केंद्र है वहाँ पर अदामा के जो सेल्समैन हैं, उन्होंने बताया था कि आप इस दवा का प्रयोग कीजिए, इसका डेमो लीजिए आप। तो हमने अपने सेल्फ से अपने खुद के खर्च पर उसका डेमो लिया था। अपन ने अपने पूरे खेत में, इस जो खेत में पूरे में अपन ने जो अदामा की अमेक को खरपतवार नाशक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया था, और इसमें खरपतवार जैसे कि अन्य अन्य प्रकार की खरपतवारें थी, जैसे कि इसमें सकरी पत्ती वाली खरपतवारें, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारें दोनों ही थी। और हमने जो अदामा की अमेक डाली, इसमें जो दो टेक्निकल है, एक तो है क्लोडिनोफॉप प्रोपारजाइल जो कि सकरी पत्ती वाली जंगली जई और इनको कंट्रोल करता है, दूसरा है मेट्रिब्योजिन, मेट्रिब्योजिन चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार पर कंट्रोल करता है। तो नई दवाई के हिसाब से अपन ने जो डेमो के हिसाब से जो दवाई को प्रयोग में लिया गया था, तो उस हिसाब से हमको रिजल्ट देखने को सही से नहीं मिला है। जैसे कि सेल्समैन ने जैसे कि बोला था कि दूसरी जो सकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपको उन्होंने तरीका बताया था, उस हिसाब से हमने सिंचाई की, उसी हिसाब से हमने दवाई को डाला, उसी हिसाब से उतनी ही मात्रा में हमने दवाई को डाला, लेकिन जो रिज़ल्ट देखने को मिला वो हमें अच्छा देखने को नहीं मिला। जैसे कि हमारे खेत में सबसे ज़्यादा मात्रा है जंगली गोभी की, एक है जो चौड़ी पत्ती में आता है, उसके बाद में एक जंगली दूधी होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये जंगली दूधी है। इसमें ऊपर जैसे ही बड़ी बड़ी हाइट होती है, इसमें ऊपर बीज आने लगता है और पूरे खेत में नीचे गिर जाता है सूखने के बाद में, और इसकी तादाद 2 गुनी से 4 गुनी, 4 गुनी से 6 गुनी हो जाती है, और हमारे पूरे खेत की जो खाद है, हमारा फर्टिलाइज़र खाद होता है, उसकी पूरी, उसको पूरा का पूरा खा जाती है, ये ख़त्म कर देती है, जिससे कि हमारी जो फसल है, गेहूँ की फसल है, कोई सी फसल है, उसमें वो हम सही से उस पर उत्पादन नहीं ले पाते। इसलिए एक जो दूधी पे इसने सबसे कम असर किया हुआ है। इसमें जैसे कि 3 दिन बाद में तो हमारी जो दवाई ने, अमेक ने स्टार्ट किया उसको रिजल्ट दिखाना, डेमो दिखाना कि उसका काम स्टार्ट हो चुका है या नहीं। इसमें ऊपर से हुआ कि जो हमारी जो दूधी है उसका ऊपर से पत्ता जला, ऊपर से पत्ता जलने के बाद में तीन चार दिन में फिर से इसका पत्ता, जो नया पत्ता आता है वो फिर से आना स्टार्ट हो गया। इसकी ना तो जड़ ख़राब हुई, ना इसमें से कुछ भी समस्या है, ये अभी भी इसमें से अपन इसको दबाते हैं तो दूध निकल रहा है इस प्रकार से। तो जो अदामा की अमेक है, इसमें रिजल्ट सकरी पत्ती वाली चारे में कुछ कुछ देखने को मिला है, और हमारी जैसे कि कंपनी ने बताया गया था कि आपको 2 बीघा के करीब में इसको स्प्रे करना है, 2 से 2.5 बीघा बताया गया था, लेकिन कंपनी तो और कम बता रही है, हमने 2 से 2.5 बीघा में इसका स्प्रे किया, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को ज़रूर मिली, हम 2 से 2.5 बीघा में डाला तो हमारे गेहूं पर इसका असर ज़रूर दिखने का मिला, जहां पर ज़्यादा दवाई डल चुकी है, डबल बार में एक बार भी दवा नहीं डली है, मैंने खुद ने स्प्रे किया। अगर अपन मजदूर और लेबर वगैरह से स्प्रे करवा रहे हैं तो अपन एक बार मान सकते हैं कि हाँ डबल में डाल दिया होगा, लेकिन मैंने खुद ने सेल्फ से डेमो लिया, रिज़ल्ट देखने के लिए खुद ने दवाई डाली, डबल बार में मैंने दवाई को नहीं जाने दिया, जहाँ पर एक बार दवाई चली गई वहाँ से डबल बार में दवा नहीं गई, और उसमें क्या है, हमारे गेहूं को नुकसान हुआ है। जैसे कि कंपनी कम मात्रा अच्छे रिजल्ट के लिए कम खेत में डालने के लिए बोलती है, पर हमने 2 से 2.5 बीघा में लिया, फिर भी जहाँ पर ज़्यादा डली, आप देख सकते हो इधर से हमारे गेहूँ में यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी जैसे उन्होंने मात्रा बताई थी उसी हिसाब से यहाँ पर डली हुई है, और ये हमारे पार्ट पे जैसे कि हम जहाँ पर इधर से उधर कूदते हैं पंप लेकर के, वहाँ पर भी ज़्यादा थोड़ी सी दवाई गिर जाती है, तो वहाँ पर गेहूं पर भी नुकसान है। तो मैं हमारे किसान भाइयों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि पंप एक बार तो को
अच्छो कंटेंट लाओ और अच्छी दवाई लाओ, जिससे कि एक बार में चारों खत्म हुई जाए। नहीं तो महाशय को डबल व्यायाम पंप तोकनो पड़ेगा और कीचड़ में पाछो चलनो पड़ेगा। अच्छो रिजल्ट देखने को नहीं मिलियो, किसान ने अच्छी दवाई डाली है कंपनी से, अच्छी कंपनी की दवाई डाली, अदामा कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। और हमारी अदामा कंपनी से और उनका सेल्समैन उनसे कोई जानी दुश्मनी भी है नहीं है। अच्छी दवाएँ वापरी रहा है, कांदा में, कण में, लहसुन में, गेहूँ में, सब में काम में ली रहा है हम दवाई के। लेकिन यह दवाई इतनी इफेक्टिव नहीं है गेहूँ में। और जो किसान भाई दुद्धी का लिए कि स्पेशल में ली रहा है, भी हमारा कहना से दूसरों कोई सो टेक्निकल ले लो जो। और अभी एक दो दिन में हम जो UPL की व्यस्तता है वो उसका हम रिजल्ट और डेमो देखने वाले हैं। एक दो दिन में उसका रिजल्ट अभी जरूर आने वाला है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय जवान, जय किसान, नमस्कार।